फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 5 चल रहा है और हम लोग बात कर रहे थे ओरल कंट्रासेप्टिव की। इससे पहले की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन क्लास में आपने देखा कि ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या टाइप्स होता है, ये हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये वाला वीडियो पहले देख कर आइए, तब आपको ये समझ में आएगा। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी जो कंट्रासेप्टिव ओरल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी गर्भ निरोधक गोलियां, इंस्ट्रूमेंट्स, किट्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। कुल 10 प्रकार होते हैं और आज की क्लास में हम 10 प्रकार को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है टाइप्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। डायरेक्ट पहली हेडिंग है नंबर 1, कॉम्बिनेशनल प्रिपरेशन। देखिए जो कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन आते हैं, बेसिकली उसमें दो दवा का कॉम्बिनेशन होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है और इन दो दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ एक चीज समझिए कि ये दवाएं 21 दिन तक खाई जाती है। एक गोली रोज आपको खाना है, 21 दिन तक खाई जाती है, यानी किसी भी फीमेल में जो 28 दिन का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें पहले 5 दिन ब्लीडिंग फेज होता है, तो पहले हफ्ते यानी 1 से लेकर 7 दिन, इस 7 दिन में आपको वो टैबलेट नहीं खानी होती। उसके बाद बाकी के 8वें दिन से लेकर 28 दिन तक, यानी अगले 21 दिन तक आपको ये टैबलेट रोज एक गोली खानी है। और उसमें क्या होता है, गोली का सीक्वेंस होता है, कैसे कैसे खानी है, 1 2 3 4 करके। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशनल प्रिपरेशन। नाम समझ आ गया। वो बताया कि इस गोली जो कॉम्बिनेशन है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, कम। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ओव्यूलेशन रुक जाएगा। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि ओव्यूलेशन रुक जाएगा। और जो एस्ट्रोजन का लेवल कम इसलिए रखते हैं ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, इंटरमिटेंट की वॉल की जो है मेंटेन रहे, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। इसमें आप क्या लिखेंगे कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन में, दिस इज द बेस्ट एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, दिस कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दिस ड्रग इज गिवन टू 21 डेज इन अ मंथ आफ्टर द ब्लीडिंग फेज, आफ्टर द फर्स्ट वीक, फ्रॉम 2nd to 3rd week दिस ड्रग इज ऑलवेज गिवन। ठीक है, बेसिकली दे इट कंटेन्स द लास्ट डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच हेल्प्स इन स्टॉप इन द इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। बस इतना लिख दो, बहुत है यार। दूसरी हेडिंग है सिक्वेंशियल प्रिपरेशन। ठीक है, सिक्वेंशियल प्रिपरेशन में क्या होता है फ्रेंड, ये दवाइयां आपको पूरे 1 महीने नहीं खाई होती, 21 दिन आपको नहीं खानी होती। इस दवाई में प्रोजेस्टेरॉन केवल होता है, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है और उसका एक बढ़ी हुई अमाउंट होती है। और ये आपको खाना कब होता है कि केवल 15 दिन तक। कितने दिन खाने होते हैं फ्रेंड, 15 दिन तक खाने होते हैं। इस 15 दिन में क्या होता है, खाना कैसा होता है कि पहले जो 5 दिन आपकी ब्लीडिंग होती है, इसमें जब आप दवाई खाते हैं तो इसमें सिर्फ एस्ट्रोजन होता है। यानी आपको जो 15 दिन आप ये दवा खाते हैं, ये 15 दिन 3 फेज में होता है, पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 5। तो पहले जब किसी फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है, जो पहली ब्लीडिंग होती है पहले दिन से, उस 5 दिन तक में आप जो पिल खाएंगे उसमें सिर्फ एस्ट्रोजन होता है। ये क्या करता है, ये ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है, कम करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को नरिशमेंट देता है। फिर अगले 15 दिन यानी 6 से लेकर 10 दिन में जो आप दवा खाएंगे उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और अगले 15 दिन जो आप खाते हैं, 11 से 15 दिन, उसमें सिर्फ क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। आपको यह चीज याद रखनी है कि जो सिक्वेंशियल प्रिपरेशन है, सिक्वेंस मतलब क्या है, बारी बारी, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब पहले 5 दिन एस्ट्रोजन, फिर अगले 5 दिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और फिर अगले 5 दिन सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो काम क्या करता है कि अगले 5 दिन एस्ट्रोजन में क्या करेगा, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, पेन को कंट्रोल करेगा। 6 से 10 दिन में जब आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों देंगे तो ब्लीडिंग को, एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करेगा और साथ साथ में आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाएगा ताकि ओव्यूलेशन ना हो। और फिर अगले 15-5 दिन में केवल प्रोजेस्टेरॉन रहता है ताकि ओव्यूलेशन को पूरी तरह से स्टॉप कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, इन द सिक्वेंशियल प्रिपरेशन द ड्रग इज गिवन इन फॉर द 15 डेज इन द 3 फेजेस ऑफ 5 डेज, यानी 5 दिन के 3 अवस्थाओं में दिए जाते हैं। इन फर्स्ट 5 डेज ड्यूरिंग द ब्लीडिंग टाइम इट इज गिवन विच कंटेन्स ओनली एस्ट्रोजन टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल। द नेक्स्ट 5 डेज द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज गिवन टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, एंड रिड्यूस द ओव्यूलेशन। एंड द लास्ट 5 डेज इट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरॉन, हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इनहिबिट द ओव्यूलेशन कंप्लीटली। ठीक है, अगली बात है मिनी पिल्स और प्रोजेस्टिन एलोन। ये मिनी पिल्स या प्रोजेस्टिन एलोन क्या होते हैं, इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है और ये छोटी छोटी गोलियां होती है। आपने मालाडी का नाम सुना होगा,
मलाडी कभी देखा आपने सरकारी अस्पतालों में मिलता है, छोटी छोटी गोलियां होती है मलाडी की, तो ये गोलियां आपको पूरे के पूरे 28 दिन खाने होते हैं। इसमें कोई भी 15 दिन या 21 दिन का साइकिल का फेज नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, मिनी पिल्स नाम से लेकर छोटे पिल्स है, प्रोजेस्टेरोन की यानी प्रोजेस्टेरोन की मिनी पिल्स आती है जो आपके बॉडी में लगातार आपको महीने भर खाना होता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब मेंटेन रहेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन हो भी जाएगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग इस ड्रग को देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरोन इन ए वेरी स्मॉल डोज एंड दे आर अवेलेबल इन मिनी पिल्स, ठीक है, एंड दे आर गिवन टू द प्रेग्नेंट गिवन टू द लेडीज इंटायर मंथ, पूरे महीने इसको दिया जाता है बिना किसी गैप के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है मॉर्निंग आफ्टर और पोस्ट क्वाइटल पिल्स, इसमें एस्ट्रोजन एलोन, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर, मॉर्निंग आफ्टर इसका सिंबल है बोलने का। अभी पोस्ट क्वाइटल पिल्स इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार के कंट्रासेप्टिव पिल्स में सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है। आपको ये ध्यान देना है किसमें क्या कॉम्बिनेशन, मैं शुरू से बता रहा हूँ किसमें क्या है किसमें क्या है। इसमें सिर्फ एस्ट्रोजन होता है, और ये कब दिया जाता है कि जब किसी लड़की के साथ या किसी भी गर्ल के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ इंटरकोर्स हो चुका है, और इंटरकोर्स होने के बाद ये स्पर्म उसके वेजाइना या उसके यूट्रस में पहुंच चुका है। अब स्पर्म जब यूट्रस में पहुंचेगा तो वो हो सकता है कि ओवम के साथ फ्यूज करे, और फ्यूज करने के बाद क्या करे, इम्प्लांट करे। मैंने आपको बताया था पहले लास्ट वीडियो में कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये क्या करता है, जो एस्ट्रोजन है पहले तो ये आपके स्पर्म को फ्यूज कर देगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बाद आपके स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने से रोकेगा, जायगोट नहीं बनने देगा, और मान लीजिए जायगोट बन चुका है, फ्यूज हो चुके हैं, तो इम्प्लांटेशन होने से रोक देगा, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होने की कोई चांसेस नहीं। बेसिकली ये बहुत ही सीरियस इशू है, और ये तब देते हैं लड़कियों को ये बहुत इमरजेंसी हो, खासकर जब कोई रेप विक्टिम्स होती हैं, जिन लड़कियों का रेप हुआ हो, तो उसके बाद जो मेडिकल हेल्थ वाले होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको ये पिल्स जरूर देते हैं ताकि वो फीमेल जो है रेप विक्टिम जो है वो प्रेग्नेंट ना हो सके, ठीक है। इन दैट केस में क्या होता है कि मॉर्निंग आफ्टर या पोस्ट पार्टम पिल्स में क्या लिखेंगे आप लोग, दिस काइंड ऑफ ड्रग्स इज गिवन आफ्टर द इंटरकोर्स विद इन 3 डेज, यानी इंटरकोर्स होने के 3 दिन के अंदर आपको ये दवा देनी होती है। दिस कंटेन्स द एस्ट्रोजन ओनली एंड दे helps in the inhibiting of zygote formation and the implantation process, ठीक है? They are always given in very emergency condition, for the example to the rape victims, okay? ये हो गया हमारा चौथा तरीका। बात करेंगे हम पांचवें तरीके के, vaginal contraceptive या spermatocidal agent। देखिए, जो vaginal contraceptive या spermatocidal agents होते हैं, ये दवाएं नहीं होती, basically ये lotion या cream होते हैं। इसमें क्या होता है, लोशन या क्रीम होता है, इसमें बेसिकली ड्रग होते हैं जैसे कि एथिल सिबेस्ट्रॉल टाइप के जो ड्रग्स होते हैं 0.25 mg के कॉम्बिनेशन में। तो इनका काम क्या होता है कि ये वेजाइनल कंट्रासेप्टिव्स यानी ये वेजाइना में अप्लाई करता है, यानी कि जो फीमेल्स का जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो ये कंट्रासेप्टिव्स क्रीम्स आते हैं, बेसिकली क्रीम और जेल होते हैं, फीमेल्स जो होती है वो कंट्रेनी कॉपरेशन से पहले या इंटरकोर्स से पहले अपने वेजाइना में इस क्रीम को यूज करती है। इस क्रीम का यूज करने से क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म यानी कि इंटरकोर्स पर जो स्पर्म अंदर जाएगा विजाइना में, तो विजाइना में जो ये कंट्रासेप्टिव क्रीम्स लगे हैं, ये क्रीम क्या करते हैं, उस स्पर्म को डेड कर देते हैं, पंक्चर कर देते हैं, स्पर्म को नष्ट कर देते हैं, और स्पर्म जब मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो अंदर जाके कोई भी प्रकार का फ्यूजन या प्रेगनेंसी कॉज नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक तरह का देखा जाए तो क्रीम या लोशन है जो विजाइना के सर्फेस पे लगाया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द कंट्रासेप्टिव्स जेल्स और क्रीम्स विच आर अवेलेबल इन द सेमी सॉलिड फॉर्म एंड दे आर अप्लाइड बाय द फीमेल्स ऑन देयर वजाइनल सरफेस एंड व्हेन आफ्टर द इंटरकोर्स इट पंक्चर्स द या डिस्ट्रॉय द स्पर्म सो दे कैन नॉट कॉज द प्रेगनेंसी, ठीक है, सीधी सी बात है। अगला है इंटरसेप्टिंस और एबॉर्टिफेसियंस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टिव्स या एबॉर्टिफेसियंस। ये क्या होता है, आपने एबॉर्शन नाम सुना होगा, एबॉर्शन जो होता है ये उसको ही, एबॉर्शन करने वाले एजेंट को एबॉर्टिफेसियंस बोलते हैं। ये बहुत ही पेनफुल होता है, ये बहुत इसमें किसी भी फीमेल की जान जाने का भी खतरा रहता है, इसको बहुत कम यूज करने के डॉक्टर सलाह देते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इम्प्लांटेशन भी हो गया, ये कब यूज करते हैं ये दोनों, जब इम्प्लांटेशन ना हुआ, और मान लीजिए कि प्रेगनेंसी आप इंटरकोर्स के होने के बाद महीने भर का समय बीत गया है, 2-3 हफ्ते का समय बीत गया है, इम्प्लांटेशन भी हो चुका है, और नेक्स्ट जो आपकी फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है वो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कि सिंबल है कि वो उसके अंदर जो है इम्प्लांटेशन हो चुका है, बेबी डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, तो
उस केस में 3 महीने के अंदर उस बेबी को नष्ट करने के लिए, उस बेबी को बाहर निकालने के लिए जो दवाएं देते हैं उसको एंटरसेप्टिव्स या एबॉर्टिस फेसिएंट्स कहते हैं। ये कैसे काम करता है बेसिकली फ्रेंड, इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये क्या करता है, देखिए मैंने बताया कि जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जब बेबी डेवलप होगा तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत पड़ती है ताकि बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो क्या करता है ये, उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा देगा। तो उस समय जो आपको पता है कि जो यूट्रस है, आपको पता है यूट्रस की 3 वॉल होती है, जो लास्ट वाली वॉल होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और यहीं पे होता है इम्प्लांटेशन। ये दवाई जो होती है एबॉर्टिक फेसिएंट्स वाले, ये एंडोमेट्रियम की वॉल को तोड़कर गला देती है, नष्ट कर देती है। और एंडोमेट्रियम की जब वॉल गलती है तो ढेर सारा ब्लड क्या होता है इस यूट्रस से बाहर निकलता है, और उसी ब्लड के साथ ये जो बेबी का जो आपका फ्यूज हुआ है, अरे इम्प्लांट बना है, ये भी बाहर निकल जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है। और ये बहुत पेनफुल होता है, ये दवाएं खाने के बाद 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर ये प्रोसेस शुरू होता है और ये बहुत पेनफुल होता है। अगर लड़कियां कमजोर है, उनके बॉडी में ब्लड की कमी है, एनीमिक है, तो उनकी जान भी जाने का खतरा होता है। इसलिए ये जब भी यूज किया जाता है किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही ये यूज किया जाता है, और बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने के कारण, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एबॉर्टिक फेसिएंट या इंटरसेप्टेंस, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इंटरसेप्टेंस या एबॉर्टिक फेसिएंट्स ड्रग्स आर वेरी क्रूशियल एंड दे आर यूज्ड इन द वेरी इमरजेंसी कंडीशन। दे आर यूज्ड व्हेन द इम्प्लांटेशन इज डन एंड द फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट, ठीक है। एंड दिस इज यूज विद इन द 3 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, शुरू के पहले 3 महीने में यूज करते हैं। व्हेन दिस ड्रग इज गिवन देन दे इंक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल एंड डिक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन लेवल, सो द एंडोमेट्रियम वॉल इज रैप्चर्ड एंड इट कम्स आउट विद द ब्लड, सो एंड द इम्प्लांट्स इज ऑल्सो कम्स आउट एंड प्रेगनेंसी इज एबॉर्टेड, ठीक है। प्रेगनेंसी क्या होती है, एबॉर्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपका ये हो गया आपका छठा। सातवां नंबर पे आते हैं फ्रेंड, सातवां है प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉकर्स। देखिए मैंने क्या बताया था प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉकर्स के बारे में, कि प्रोजेस्टेरॉन जब भी ये आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है, यानी बच्चा जो है इम्प्लांटेशन होने के बाद जायगोट आपके एंडोमेट्रियम से चिपक गया है, अब इसको ग्रोथ कौन देगा, इसको ग्रोथ देगा एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को ग्रोथ कौन देगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा तो इसको ग्रोथ मिलती रहेगी। तो जो प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जब प्रोजेस्टेरॉन को हमने इम्प्लांटेशन हो गया, अब हम प्रोजेस्टेरॉन को जब ब्लॉक कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो जब एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये हमारा जो ये इम्प्लांट हुआ है ये पूरी तरह से डेवलप ना होकर नष्ट होकर कुछ दिन में शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉकर्स। इसमें क्या लिखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉकर्स आर ड्रग्स आर गिवन आफ्टर द इम्प्लांटेशन प्रोसेस, ठीक है। When the progesterone level is decreased by the given progesterone blockers, then the implantation do not get nourishment and nutrition, so they becomes destroyed and comes out from the body. अगला है friend, depot preparation. Depot preparation का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आपने कुछ ना बस डिपो, डिपो का मतलब क्या होता है, जहां पे एक जगह सब लोग इकट्ठे हो और बारी बारी निकले। बस अड्डे में क्या होता है दोस्तों, कि बस इकट्ठा होती है, कानपुर की बस, जौनपुर की बस, फलाना की बस, ढिकाना की बस, बारी बारी से निकलती है, पहले इकट्ठा की जगह होती है। तो डिपॉट का मतलब है कि कहीं पर एक जगह पे हम दवाओं को इकट्ठा कर लें और वो दवाएं धीरे 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 क्या हो, रिलीज हो, उसको बोलते हैं डिपॉट। तो इसमें जो डिपॉट प्रिपरेशन है वो 4 तरीके से हो सकता है। पहला है वंस अ मंथ प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी फीमेल में क्या होता है कि इसको महीने में एक बार यूज करना होता है, कि जैसे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो जिस दिन उनका ओव्यूलेशन होने का फेज होता है 14 डे या सेकंड हाफ में, तो क्या करते हैं उस समय एक पिल्स आती है, उस पिल्स को अपने वेजाइना के अंदर वो इंटर कर देती है और इंटर करके छोड़ देती है, तो वो पिल्स क्या होता है वहां पर रिलीज होता है और होने वाले ओव्यूल्स को रैप्चर कर देता है, ठीक है। यह है वंस अ मंथ प्रिपरेशन, महीने में एक बार यूज करना है। अगला है इंटरयूटेराइन डिवाइस, IUD, इसको शॉर्ट फॉर्म में IUD कहते हैं। IUD का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक, जैसे आपने कापर्टी का नाम सुना है, कापर्टी वगैरह होता है, तो टी शेप का होता है, तो एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है जिसमें ड्रग्स स्टोर होती है। ये डिवाइस क्या होती है, डॉक्टर्स उस आपके यानी फीमेल्स के यूट्रस के अंदर इंटर कर देते हैं और इंटर करके छोड़ देते हैं। तो जब इंटर करके छोड़ देते हैं तो उस पूरे एक महीने के दौरान कोई भी स्पर्म जाके ओव्यूलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। जैसे आप ये समझिए कि आपका ये पूरा स्पेस है, तो इस स्पेस को यहाँ से हमने रोक दिया, अब स्पर्म इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएगा, जब अंदर नहीं जाएगा तो किसी प्रकार का फ्यूजन नहीं होगा। दिस इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं।
अगला है बायोडिग्रेडेबल सस्टेन रिलीज सिस्टम। यानी बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है कि कुछ कैप्सूल्स की तरह होते हैं, पिल्स की तरह दवाइयां होती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, जो वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और धीरे धीरे वो वहीं, मतलब आपको दवा खाने की जरूरत नहीं, एक बार आपने पिल्स इंसर्ट किया वजाइना के अंदर आपके, और वो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करता रहता है, ओव्यूलेशन को स्टॉप करता रहता है, स्पर्म के फ्यूजन को रोकता रहता है और अपना वो काम करता रहता है। महीने में एक ही बार इसको भी यूज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है कि इसमें जो उसके पॉलीमर्स होते हैं वो बॉडी के अंदर ही डिजॉल्व हो जाते हैं। अगला है नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका है सबडर्मल इम्प्लांट्स एंड वजाइनल रिंग्स। इसमें क्या होता है कि स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या वजाइना के अंदर कुछ रिंग्स या पैचेस होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं जो वहां पे जाके सारा सेम प्रोसीजर करता है जैसे पहले हो रहा था, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और ओव्यूलेशन को स्टार्ट करेगा। तो ये सारे क्या है, डिपोर्टेड, एक बार स्टोर करके हमने एंटर कर दिया, अब वो महीने भर काम कर रहे हैं। तो इसको भी बस नाम छोड़ के इसे चार पॉइंट लिख दीजिएगा, कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है। बाकी नौवां नंबर है कॉन्डोम्स, ये मेल के लिए होते हैं, मेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, बेसिकली फीमेल कॉन्डोम्स चर्चा में नहीं होते, मेल कॉन्डोम्स का यूज करते हैं। तो कॉन्डोम्स कैसे यूज होते हैं, क्या काम है उनका, वो बैरियर होते हैं, वो क्या करते हैं स्पर्म को एंट्री को रोकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे, कॉन्डोम्स आर यूज जनरली यूज फॉर द मेल्स, दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द फीमेल्स ऑल्सो, दे आर यूज एज द फिजिकल बैरियर एंड दे स्टॉप द एंट्री ऑफ स्पर्म इन टू द वजाइना। ठीक है, अगला है केमिकल कंट्रासेप्टिव फॉर मेन, इसको एंटी एंड्रोजन भी कहते हैं। ये सबसे कम यूज होता है, यानी सारी जो खुराफात आप देख रहे हैं वो फीमेल्स के लिए ही है, मेल्स के लिए बस एक ही दिख रहा है, ये लास्ट के दो। तो ये जो केमिकल कंट्रासेप्टिव फॉर मेन होते हैं, इसमें दवाइयां होती है एंटी एंड्रोजन, जो एंड्रोजन हार्मोन के रिलीज को रोकती है, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को रिलीज को रोकती है, और जिससे क्या होता है कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इससे इंसान जो मनुष्य जो इसको यूज करता है वो इंपोर्टेंट भी हो सकता है, मतलब वो नपुंसक भी हो सकता है। ये इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ठीक है, तो दे आर बेसिकली यूज फॉर द मेल्स एंड दे बेसिकली दे डिस्ट्रॉय द इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ टेक्निक्स थे। तो यूनिट 5 में चैप्टर नंबर 1 था सेक्स हार्मोन्स एंड ओरल कंट्रासेप्टिव, हमने खत्म कर लिया है दोस्तों। अब दो चैप्टर बचे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस और बायोएसे। ये दो लेक्चर मतलब 3 से 4 क्लास हम लेकर के फार्माकोलॉजी को खत्म करेंगे यूनिट 5, यानी पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी खत्म हो जाएगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।